छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के साइंस से, और क्लास 10 के साइंस से आपको एक मात्र प्रश्न बताएंगे जो कि खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न जो है साइंस से है और ये मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना धनावेशित या ऋणावेशित होना कहा जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को आवेश कहा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश, यही इसका कंप्लीट आंसर है। क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना धनावेशित तथा ऋणावेशित होना कहा जाता है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना धनावेशित तथा ऋणावेशित होना कहा जाता है। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का जो बाहर निकला तो वो धनावेशित हो गया, और वही पदार्थ जब ग्रहण किया, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना ऋणावेशित होना कहा जाता है। इसके बाद आगे लिखेंगे इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को आवेश कहा जाता है। आप समझ गए हैं, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होता है इसी को आवेश कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। आगे लिखेंगे, यह दो प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। बस यही इसका कंप्लीट आंसर है। आप इतना लिख देते हैं तो आपको इसका फुल मार्क्स अवश्य मिल जाएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसका आंसर लिखिएगा, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना धनावेशी तथा ऋणावेशित होना कहा जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को आवेश कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश।